सो हाँ जी, फिर से स्वागत है सभी लोगों को इंडियन जर्नी में। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। और ये मेरा लास्ट गुवाहाटी टू कोलकाता का लास्ट ब्लॉग है। सो मैं निकल चुका होटल से, कैब मैंने बुक कर दिया, ऑलरेडी आ चुका है। चलिए उठते हैं कैब में और जुड़े रहेगा आज। कंटिन्यू करते हैं गाड़ी में बैठ कर ब्लॉग को। जी मैं आकर बैठ चुका आपका कैब में, जो बुक किया था वो तो आया नहीं, कुछ हो रहा नहीं, तो दूसरे जन को ही ऑन रोड में चलते चलते एक भैया को देख लिया था, उनको ही बुला लिया। सो ये ओवर वे तो भरोसे मत लीजिए, सुबह सुबह बोल रहा है तब से मेन रोड में तो पहला तो छारा बार में कैच सक उसको से ही कर। अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे सीधा हावड़ा स्टेशन में पहुँच कर। हाँ जी, मैं आके पहुँच चुका आपका हावड़ा स्टेशन में। तो लागेज वगैरह वगैरह भी सब आज ला दिया, गेज में रख दिया सब कुछ। बहुत लेट हो जाता आज भाई, हाल बाल बज गया, अभी टाइम से इतना पहले पहुँच गया, बहुत ही पहले पहुँच गया। जो ड्राइवर था पूरा उड़ा उड़ा के लाया भाई, मैंने बस बोला भैया जल्दी चलो, बहुत देर हो गया, जैसे तैसे पहुँचा दो, बस जो भी हो। सो पहुँच गया हावड़ा स्टेशन में आपका। चलिए अभी ट्रेन कहाँ पर लगा, कितने नंबर प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और जाके ट्रेन को ढूंढ के उधर से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो हाँ जी, आज जल्दी जल्दी के चक्कर में आपका इंट्रो देने भूल गया मैं तब से। और आपका बरोबर नमस्ते छुड़वा, हाय मैं हूँ आपका नैदीप भाई। सो आज जुड़े रहेगा आज इंडियन चैनल पे, आज ये लास्ट ब्लॉग होने वाला है ये गुवाहाटी टू कोलकाता तक। हाँ जी, फाइनली आके ट्रेन लग चुका है हमारा कामाख्या पूरी हावड़ा एक्सप्रेस आपका 15643। सो ये आपका लगा है नया वाला प्लेटफॉर्म, नया वाला कॉम्प्लेक्स में आपका हावड़ा कॉम्प्लेक्स में 18 नंबर प्लेटफॉर्म में लगा है। 7:30 बजे छोड़ने का ट्रेन का बात है, अभी देखते हैं कितना बजे छोड़ता है। देख लीजिए ट्रेन लग चुका और S4 का सीट मिला, जैसी में किया था वो मिल गया, पर जाते समय भाई आगे में ही किया तभी से लेके अभी तक भी तत्काल में भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो चलिए अभी घुसते हैं ट्रेन के भीतर और वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और क्या खाते हैं क्या नहीं पूरे रास्ते में दिखाते हैं। हाँ जी, आकर बैठ चुका है आपका पूरा सीट पे, तो सीट अभी तो पूरा ऐसे क्लीन है पूरा। अभी ये अपर मिला और मिडिल वाला मिला 5-6, अभी तो पूरा क्लीन है इतना तक। उधर से पूरा गंदा है, इधर से पूरा गंदा हुआ है, पड़ा है भाई ट्रेन और वेसिंग वेसिंग में देखते पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, लगा भाई मिरर पूरा क्लीन है। जी आके तो बैठ चुका हूँ, अभी चलिए क्या क्या मैं लाया हूँ वो सब मैं अभी कवर करता हूँ, वो सब दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आपका लस्सी और ये आपका मैंगो लस्सी, दोनों प्लेटफॉर्म से खरीदा, और मियो एमोरो से आपका ये चिकन सैंडविच। तो ये हमारा चिकन सैंडविच मियो एमोरो का, और ये आपका चिकन इंटरनेट, आपका चिकन इंटरनेट है स्टफिंग सब देख लिए पूरे चिकन से भरा हुआ है। चलिए अभी टेस्ट करते हैं, खाते हैं और देते हैं आप लोगों को रिव्यू कैसा है क्या नहीं। तो मैंगो लस्सी का टेस्ट बहुत अच्छा है भाई, क्वालिटी बहुत अच्छा है, और आपका सैंडविच का ब्रेड पूरा फ्रेश है, लेकिन स्टफिंग सब आपका शायद से कल रात का दिया गया हुआ है। सो ये खाने से तो लगता ही है, और कह रहे बिना किसी तरीके में आपका ट्राई करता है चिकन इंटरनेट, तो भी आपका कैसा है। चिकन इंटरनेट बहुत अच्छा है भाई, ये तो भेज जो है वो फाइट से चलता है, उसका स्टफिंग है तो इसमें चलता है, इसमें आपका दोनों का ही अच्छा है। सर आप लिए तो इनका भी तो थोड़ा नहीं छोड़ेगा, सुनने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, तब तक ये सब आपका खत्म कर लेते हैं, खत्म खत्म वगैरह करके बाद में वीडियो को स्टार्ट करेंगे जब ट्रेन चलेगा। चलिए जुड़ेगा इंडियन जल्दी। 7:45 में हमारा ट्रेन छोड़ चुका है, रवाना दे चुका है आपका घाटी और कामाख्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, घाटी की ओर बाय कोलकाता बाय हावड़ा भाई हावड़ा, फिर से मिलेंगे कोलकाता के 4 दिन बाद, टाइम अगर अच्छा रहा, वक्त ने सब साथ दिया, आप लोगों ने साथ दिया, तो फिर से जल्दी मिलेंगे। चलिए अभी जुड़े रहिए इंडियन जर्नी में और देखते रहिएगा
हर एक चीज़ अभी सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में आते रहेगा, और फिर से मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं, और आपका दोपहर में क्या खाऊंगा, कौन सा स्टेशन रहेगा, क्या अपडेट रहेगा, कैसा सब कुछ, कैसा स्टेटस सब है, सब कुछ देते रहेगा, जुड़े रहेगा इंडियन जर्नी में। हाँ जी, अभी आपका बैंडल पहुँचने वाला है कुछ ही देर में, और बारिश का पूरा मौसम हो गया। ये दूसरा कौन सा स्टेशन आया, थोड़ी देर में आपका बैंडल भी पहुंच जाएगा। बारिश पूरा है, जोरदार बारिश। तो अभी आपका पिज्जा लाया था मैं, चिकन आपका ये मार्गरिटा पिज्जा, चिकन नहीं, मैं चिकन बोल रहा, सॉरी, चीज मार्गरिटा। ठंडा आ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, खा लेंगे। दाना कैसा लगा है? तो मैं आके तो मीठा वीठा ही वगैरह खाना ही नहीं होगा, कोई बात नहीं, फिर से कई चार दिन बाद फिर से आऊँगा, महीना महीना दस दिन बाद आऊँगा, फिर से होगा। अभी बेक मीठी दाना आके पहुँच चुके आपका नवद्वीप धाम। उतरेंगे तो नहीं, ऐसा सब कुछ लेना होना है अभी, ऐसे कुछ लेना भी नहीं है, बस अगर उठ के अगर दही आएगा तो भीतर में, नवद्वीप धाम का तो दही फेमस है आप लोग को पता है, वही दही आएंगे और दही खा के चख के बोलेंगे कैसा है कैसा नहीं, देखते दही आता है क्या कर आता है, तो वीडियो कंटिन्यू करेंगे जी। 9:10:32 में आपका कटुआ जंक्शन आके पहुंचा है हमारा ट्रेन। इधर में भी नीचे नहीं उतरेंगे, मौसम पूरा भाई कुछ हो ना हो एक चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम पूरा ठीक है भाई। कटुआ जंक्शन में आपका भैया आपका कुर्ती बना के दे रहे हैं, आपका 20 का है और आपका 30 का है, मैंने भी लिया, बाकी बहुत अच्छा स्वाद है, बहुत अच्छा ही स्वाद है, अच्छा ही बेच रहे हैं, अच्छा तो है, खा के तो चख के देखा, बहुत पूरा एकदम पूरा माखन जैसा है, पूरा मतलब फ्लेवर पूरा टेस्ट आ रहा है। सो ये तो अभी तो इधर से निकलेगा ट्रेन, इधर में होल्ड है, 10 मिनट का ऐसा होल्ड है, तो चलिए आगे में चलते हैं और दिखाते हैं क्या खाते हैं नेक्स्ट, क्या होता है। हाँ जी, आके आपका ट्रेन पहुंचा आपका आजिमगंज में, आपका 12:02 में आके पहुंचा है, 4-5 मिनट का होल्ड है, और अभी ट्रेन चले ही जाएगा, ट्रेन कुछ ही देर में चलेगा। सो अभी आजिमगंज जाके पहुंचा था, देख दही आया था, खा नहीं पाया, और सो ये अभी देखता है नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आता है, क्या आता है क्या नहीं, जुड़े रहेगा इंडियन जर्नी में। बहुत ज़्यादा है भाई, धूप बहुत है भाई। हाँ जी, बज रहा है आपका 1:39, आपका न्यू फरक्का जंक्शन में आकर पहुंचा हमारा ट्रेन, न्यू 1:39 बज रहा है, अभी ट्रेन आकर लग चुका है। दोपहर का खाने का टाइम तो हो ही रहा है, थोड़ा देर बाद खा लूँगा, देखता हूँ क्या मिलता है, अगर कुछ मिलता है तो खाऊंगा, नहीं तो पेंटी का से ऑर्डर करके खा लूँगा। सोई तो चलिए जुड़े रहेगा आज इंडियन जर्नी में के साथ आप लोगों का। न्यू फरक्का ब्रिज क्रॉस होता है, न्यू नहीं पुराना ही फरक्का ब्रिज है, फरक्का ब्रिज क्रॉस होते हुए अभी तक तो खाया नहीं, देखते हैं अभी क्या खाते हैं, क्या आता है क्या नहीं, अभी देखते हैं, जो खाएंगे वो तो बताएंगे और खाएंगे भी, चलिए जुड़े रहेंगे इंडियन चैनल में। आज ही आके पहुंच चुके आपका मालदा, आपका बिफोर टाइमिंग आया है आपका 16-17 मिनट बिफोर टाइमिंग ही आ चुका है, और आपका अभी ले लिया आपका जो खाना दोपहर का था, दोपहर का खाना वाना वगैरह सब ले लिया, बिफोर टाइमिंग ही पहुँचा, ऐसा चलता रहा तो अच्छा ही है।
और अभी दिखाते हैं क्या क्या लिया और क्या क्या नहीं है। अभी छोड़ने का टाइम हो ही गया, इधर में आधा घंटा रुकेगा। चलिए अभी चलते हैं भीतर में बैठते हैं और दोपहर का लंच करते हैं। हाँ जी, आ चुका है हमारा ट्रेन का खाना सब। ये बिरयानी लिया, चिकन बिरयानी आपका 120 पर, अच्छा लग रहा था, ऐसे होता नहीं अच्छा लेकिन ये अच्छा था। और ये गुलाब जामुन और आपका रसगुल्ला आपका 30 रुपया पड़ा, और आपका ये दही 20 रुपया गिरा 20 टका, और ये आपका गिरा 20 रुपया। सो ये सब कुछ ले लिया दोपहर के लंच के लिए। चलिए अभी इसको और खाओ के ट्राई करके बताते हैं कैसा सब कुछ है। हाँ जी, 758 में आपका आके घुस चुका आपका न्यू जलपाईगुड़ी में आपका एनजीपी में, और तभी से मैं और वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया, इसलिए कि हुआ नहीं था, मोबाइल में चार्जेस वगैरह भी नहीं था, तबीयत भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए सो गया। और जो खाना था भाई एकदम दही और मिठाई पूरा खट्टा था, पूरा ही खट्टा है, थोड़ा थोड़ा खा के पूरा सब फेंक दिया। 758 में बहुत लेट पहुंचा गाड़ी, बहुत लेट आके पहुंचा गाड़ी। ऐसे तो ये ट्रेन इसके लिए फेमस है, इसलिए ये बिफोर टाइमिंग पर है हमेशा, लेकिन आज कम से कम आपका 1 आवर एंड 16 मिनट्स लेट है। चलिए जी अभी खाते हैं, देखते हैं डिनर के लिए क्या लेते हैं क्या नहीं, सबसे ज्यादा से क्या करेंगे ले होते। चलिए डिनर रहेगा इंडियन चैनल। जी ऐसे तो ले लिया जो जो लेने का था, ऐसे तो कभी कुछ चावल वाल रोटी वगैरह ऐसा कुछ मिला नहीं, वो पिज्जा शिज्जा ऐसा कुछ बर्गर सैंडविच वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह सभी ले लिया, और चिप्स उप्स वगैरह ले लिया, ऐसा भी अभी खाते चलूंगा। और आपका ट्रेन भाई बहुत लेट चल रहा है, बहुत ही लेट, 1 घंटा 17 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 21 मिनट, ऐसा लेट चल रहा है भाई। कामाख्या पूरी हावड़ा एक्सप्रेस इसीलिए फेमस रहता है, किस लिए की है बिफोर टाइमिंग हर जगह पहुंचता रहा, आज भी पहुंचा 2-4 स्टेशन में बिफोर टाइमिंग, 16 मिनट 20 मिनट 21 मिनट पहले पहुंच गया, फिर भी अभी इतना देरी कर रहा है भाई। कल ऐसा हुआ तो कल फाटी पहुंचते पहुंचते बहुत देरी हो जाएगा, तो जो भी हो अभी चलिए भीतर में बैठते हैं सीट पर और वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, जब मैं थोड़ा आऊंगा तभी आप लोग को दिखाऊंगा। चलिए जुड़ेगा इंडियन चैनल। आज ये सब खरीद के लाया अभी मैंने, बर्गर आपका चिकन बर्गर और आपका वेज पिज्जा जो छोटा मोटा रहता है नॉर्मली, आपका वेज सैंडविच और माजा लाया था। सो ये तीन चीज खा के अभी देखता हूँ कैसा है कैसा नहीं, आपका अभी भीड़ बहुत रिव्यू भी नहीं दे सकूंगा खाओ के, एक बार खाना वाना खत्म कर लेता, खाना वाना खत्म करके एक ही बार में आपका बताऊंगा कैसा था टेस्ट, कट्टा पानी का और फ्रेश था कि फ्रेश था नहीं था, चलिए अभी खा लेते हैं। तो आज ऐसे तो खाना पीना हो चुका है, अभी दिखा नहीं सकता किसी, दिखा भी नहीं पा रहा किसी, बहुत भीड़ उड़ है, सो इसके ऊपर हो गई। और आपका अभी जो खाया मैंने ठीक ठाक ही था, बस बर्गर उतना सुविधा का नहीं था, और बाकी पिज्जा जो होममेड पिज्जा और आपका सैंडविच वगैरह सब कुछ ठीक था, और बीच में एग बॉल लिया था और एक रोटी लिया था, वो भी वो सब कुछ भी सही था, तो ऐसे ठीक ही लगा। तो अभी ऐसे अभी भी आपका 8:24 हो रहा है, 8:24 हो रहा है, अभी भी रुकाई है न्यू जलपाईगुड़ी में, इसका नेक्स्ट आपका सिलीगुड़ी होगा स्टॉपिंग। अजी ट्रेन पूरा छोड़ चुका है, अभी छोड़ा है पूरा 9 बजे, पूरा एकदम सटीक पूरा 9 बज रहा है, पूरा 9 बजे तक ट्रेन छोड़ दिया हमारा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से, क्लीन का नामो निशान अभी तक तो नहीं है, देखता हूँ अगर आता है तो क्लीन करने के लिए तभी बनाऊंगा वीडियो, अगर क्लीन उन वगैरह कर देता है तो, नहीं तो देखता हूँ कहाँ में अगला स्टेशन होगा उधर पे बनाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा वीडियो को, जुड़े रहेगा इंडियन चैनल में। तो 9:20 में आके आपका पहुंचा है सिलीगुड़ी स्टेशन में, और सिलीगुड़ी स्टेशन में आके बाथरूम को क्लीन किया गया है और इतना ज्यादा थोड़ा बहुत क्लीन किया, सिलीगुड़ी स्टेशन से भी छोड़ चुका है, सिलीगुड़ी जंक्शन से भी छोड़ चुका है हमारा ट्रेन, 5 मिनट का होल्ड था, इधर से भी छोड़ चुका है, और वीडियो को अभी इतना लंबा नहीं करेंगे और एक ही बारे में अभी सोने के लिए चले जाएंगे, टाइम भी हो गया 10 बजने वाला, और एक ही बारे में आपका कंटिन्यू करेंगे सुबह मॉर्निंग में आपका उधर में पहुंच के। चलिए जुड़ेगा इंडियन चैनल में, सीधा सुबह मॉर्निंग में कंटिन्यू करते। तो हाँ सभी को जी गुड मॉर्निंग, और आपका ये ट्रेन आके घुसा है आपका कामाख्या जंक्शन में आके घुस चुका है आपका 6:38 में, बिल्कुल आके पहुंच चुका है आपका, पूरा 1.5 घंटे के ऊपर लेट है, पूरा 1.5 घंटे के ऊपर लेट हुआ भाई ये कामाख्या हावड़ा क्या पूरी जंक्शन। सो तो अभी आई होप आप लोगों को ये सब जितना भी एपिसोड था, जितना भी एपिसोड आ रहा था, जितना भी वीडियोस आ रहा था, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ऐसे ही रिलेटेड टाइप वीडियो चाहते हैं जर्नी ट्रेवल, तो कमेंट कीजिएगा, डीएम कीजिएगा, तो जरूर करूंगा, आप लोग करने से एक हौसला मिलता है। सो तो तब तक के लिए आप लोग से मिलते हैं अगले एक नए ब्लॉग में, और जो सब्सक्राइब का बटन देख रहे हो सब्सक्राइब का बटन जरूर इसे दबा लीजिएगा, तब तक के लिए मिलते हैं आप लोग से अगले एक नए वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Oh,